हेलो दोस्तों, आज एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं सेल्स का टॉपिक। आज कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो रिटेल हो, होलसेल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, या कोई भी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई में काम करने वाले जितने भी व्यापारी होते हैं, उन सब लोगों को एक लेवल पर, एक जगह सबसे ज़्यादा काम करने की रिक्वायरमेंट रहती है। और वो ऑलवेज हमें आकर पूछते हैं कि सर, ये सेल्स जो है उसको हम कैसे बढ़ाएं। तो आज का ये पूरा वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए अपना सेल्स जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। तो आज एक कंपनी का हम एग्जांपल लेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है, और उसी के एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आप अपने बिजनेस में सेल्स कंसल्टिंग करके अपने सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हो, अपने व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हो। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हेलो। हेलो सर, कैसे है? बढ़िया। अच्छा, आप कैसे? बस एकदम बढ़िया। बताइए, आपने ऑनलाइन हमारी इंक्वायरी की थी। Yes. और आप बताना चाहते थे कि आपको अपने सेल्स जो है उसको बूस्टअप करना। हाँ जी सर, वैसे मेरी कंपनी का नाम है डायरेक्ट सर्विस लिंक, और जो मैं मैन्युफैक्चर करती है, हमारी कंपनी वो मैन्युफैक्चर करती है सबमर्सिबल पंप। तो मेरे को ना अपनी सेल्स ग्रोथ बढ़ाना है, और इसके साथ साथ दूसरे शहर में भी मेरे को मेरा स्टार्टअप करना है, दूसरी कंपनी ऑर्गेनाइज़ करना है। तो उसके लिए मेरे को गुरुकुल क्या हेल्प करेगा, उस चीज़ के बारे में आप मुझे बता दीजिए। ओके, सबसे पहले हमारा काम करने का तरीका ये रहता है कि कंसल्टिंग प्रोसेस के अंदर हम सबसे पहले एक एनालिसिस करते हैं। क्योंकि आज इंडिया का सिनेरियो ऐसा है, 100% एमएसएमई बिजनेस में से 95% बिजनेस ऐसे है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और 5% बिजनेस ऐसे हैं जो सक्सेसफुली ग्रो हो रहे हैं। 95% बिजनेस जो ग्रो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक डिग्री है, MBA। उनका ये कहना होता है, मने बधु आवड़े छे, हिंदी में मतलब होता है मुझे सब कुछ आता है। और यही एक वजह है कि जिसके कारण वो आगे ग्रो नहीं हो पा रहे। और दूसरी कैटेगरीज के अंदर काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो ऑलवेज अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ रखते हैं, लर्निंग। क्योंकि उनको पता है कि मुझे अर्निंग अगर बढ़ाना है तो मुझे मेरा नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, और उसी के लिए वो कंटिन्यूस ग्रो करते हैं। ये 95% लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अपना खुद का सिस्टम और मैनेजमेंट बनाया हुआ होता है, और उसी के कारण वो लोग ग्रो नहीं होते। और 5% लोग ऐसे होते हैं जो सिस्टम और मैनेजमेंट को अपने से आगे रखते हैं, और उसी की प्रायोरिटी सेट करते हैं। तो आज हम आपके बिजनेस का एक बेसिक एनालिसिस करेंगे बातचीत करके, और उसी के बेस के ऊपर मैं आपको बता पाऊंगा कि गुरुकुल आपको क्या हेल्पफुल हो सकता है। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले आपने अपनी कंपनी का नाम बताया, अब मुझे ये बताया कि ये कंपनी आपने कब शुरू की थी। सर, ये कंपनी मैंने आज से 10 साल पहले स्टार्ट करी थी। 10 साल हो चुके हैं। ओके, आपकी कंपनी में काम करने वाले कितने लोग हैं? सर, अभी तो 22 से 23। ओके, 22 से 23 लोग काम कर रहे हैं। ओके, कितने लोग ऐसे हैं कि जो स्किल्ड वाले हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो अनस्किल्ड हैं? सर, स्किल्स वाले बात करें तो 4-5 है, बाकी के अनस्किल्स हैं जो कि आते रहते जाते रहते। क्योंकि मेरी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो वहाँ पर मेरे को लेबर्स ज़्यादा लगते हैं जो वो करें, और उनको जो मैनेज कर सके वो स्किल्सफुल बंदे मेरे पास काम है, 4-5 है। ओके, कौन से साल में ये कंपनी आपने शुरू की थी? सर, ये 2014 को स्टार्ट करी। 2014 में स्टार्ट करी। ओके, ये डिसीजन, ये कंपनी के की डिसीजन मेकर कौन है? की डिसीजन मेकर मतलब समझा, कोई भी फर्दर डिसीजन हमें लेना हो बिजनेस को ग्रो करने का या आगे बढ़ने का, तो उसका फाइनल डिसीजन कौन लेता है? सर, इसका फाइनल डिसीजन मेरे पापा और मैं, आप लोग मिलकर लेते हैं। ओके, और आप कौन सी कैटेगरीज के अंदर आते हैं? मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, ट्रेडिंग में आते हैं, रिटेल में आते हैं, या और भी आपका सेगमेंट आता है? सिर्फ अभी मैन्युफैक्चरिंग। ओनली मैन्युफैक्चरिंग अभी आपका। ओके, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर, कि आने वाले 5 साल का आपकी कंपनी का विज़न क्या आप देख रहे हैं? सर, विज़न ये है कि अभी जो मेरी मैन्युफैक्चर कंपनी वो इंदौर में है, तो मैं चाह रहा हूँ कि धीरे से जो हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहाँ पर भी हो जाए एक मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसके बाद भोपाल को और दिल्ली को,
भोपाल और इंदौर को तो मैंने कवर कर लिया, उसके बाद दिल्ली को कवर करते हुए दूसरे स्टेट में भी जाना है, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, तो यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट। मतलब आने वाले 5 साल का आपका फ्यूचर प्लानिंग ऐसा है कि मल्टीपल कंपनी अपने ओपन करें या मल्टीपल यूनिट्स अपने प्लान करें? यस। ओके, इस साल का कोई विजन है सर? सर इस साल का विजन तो अभी है नहीं कुछ। ओके, नेक्स्ट ईयर का कोई विजन प्लान किया हुआ है? ना सर, नेक्स्ट ईयर का कोई विजन प्लान। ओके, आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ सर यही है कि हम एक दिन में 11 से 12 सबमर्सिबल पंप को मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, जीरो से लेकर फाइनल तक, बॉक्स पैकिंग वगैरह सब कुछ। आपकी कंपनी की वीकनेसेस क्या है? सर वीकनेसेस ऐसा है कि मैं ही सारी चीज़ हैंडल कर रहा हूँ, मेरे अंडर कोई ऐसा मेरे को बंदा नहीं मिल पा रहा है कि वो सारी चीज़ हैंडल करे, तो मेरे को हर एक फील्ड में जाना पड़ता है। लेबर से भी मेरे को बात करना पड़ रही है फिलहाल, उसके बाद जो स्किल्स वाले बंदे हैं उनको भी मेरे को समझाना पड़ रहा है, तो यही प्रॉब्लम, यही वीकनेस है कि मैं आने वाले, डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको इसका फ्यूचर क्या दिख रहा है? सर फ्यूचर तो अच्छा है, अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दूँ तो मैं अच्छा फ्यूचर हो सकता है। कोई चीज़ ऐसी है जिसका आपको थ्रेड्स हो? यही है कि सर अगर मेरे पास जो लेबर है या फिर जो वर्कर है मेरे पास, तो इनकी अगर शॉर्टेज हुई तो ये थ्रेड्स मेरे पास हो सकते हैं, क्योंकि ये बंदे प्रॉपर मिलते नहीं, कभी भी छुट्टी हो जाती है इनकी। ओके, पूरे कंपनी के अंदर अगर हम देखने के लिए जाए तो सबसे ज़्यादा मेजर कौन सी 3 की चैलेंजेस आपकी है जो आपको बिजनेस में सबसे ज़्यादा परेशानी कर रही है? एक तो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद मेरे कुछ ही सप्लायर्स हैं जो इसको लेते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे सप्लायर्स बढ़ जाएं, सप्लायर्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक मेरे ऊपर ये दबाव आएगा कि और इनको मैन्युफैक्चर करना है, तो मतलब आप डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उसका नेटवर्क आप बढ़ाना चाहते हैं? एग्जैक्टली। ओके, और एक ये हो गया, दूसरा ये कि मेरे को एक अच्छी टीम चाहिए, कि मैं हमेशा बिजनेस में नहीं रह सकता, मेरे को मेरी फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, तो मैं ऐसा देख रहा हूँ ऐसी मेरी टीम हो जाए कि मेरे एब्सेंस में भी वो रन हो सके। और क्या चैलेंजेस हैं थर्ड? और तीसरा तो सर अभी इतना कुछ है नहीं। मतलब एक आपको डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बढ़ाना है, दूसरा एक अच्छी टीम आपको तैयार करना है, और तीसरा आपने जो बोला था जो स्टार्टिंग में कि आपको अपना सेल्स बढ़ाना है, कि ये आपका कोर पर्पस है। ओके, अभी पूरी कंपनी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हम बात करें तो जितने भी लोग काम करने वाले हैं 20-25, इन सब लोगों का स्ट्रक्चर किस तरीके से है? कंपनी की कोर टीम में कौन कौन आता है आपके बाद? सर मेरे बाद मैन्युफैक्चर का एक हेड है, वो सारा मैन्युफैक्चर का देखता है, दूसरा एक मेरे पास बिजनेस एनालिटिक्स है जो कि रिटेल्स वालों को बोलता है कि हमारी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, बस ये दो लीडर है मेरे पास अभी। ओके, अकाउंटिंग कौन देखता है सर? अकाउंटिंग तो मैं ही देख रहा हूँ। आप ही देख रहे हैं? यस। ओके, और सेल्स वगैरह कौन देख रहा है अभी? सेल्स के लिए एक लड़का है मेरे पास, तो आने वाले टाइम में कुछ भी काम अगर अपने को करना रहता है तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको पूछना चाहूँगा, कितने काम आप खुद करते हो और कितने काम आप डेलीगेट करते हो? हाँ जी सर, पूछिए। बराबर, वन बाय वन में आपको पूछ ले जाता हूँ। सबसे पहला रोज का डेली रूटीन जो आपका रहता है, तो आपके टीम को वो टास्क जो है वो आप डेलीगेट करते हैं? नहीं सर, ऐसा मैं टास्क डेलीगेट नहीं करता कि आपको ये करनी है, बस मेरा ये है कि फैक्ट्री चालू हो जाती है मेरी 8:30 बजे और शाम को बंद हो जाती है 8 बजे, और बीच में 1.5 घंटे का लंच रहता है, तो ऑटोमेटिक ये मेरा मैन्युफैक्चर हो जाता है इतना, जितनी 11-12 मेरी मशीन भी बन गई। सेल्स का ऑर्डर लेने का काम कौन करता है? सर वो बिजनेस एनालिटिक्स जो एक लड़का बताया था वो मेरे पास लेके आता है और मैं फिर उनसे कॉन्टेक्ट करता हूँ। ओके, अकाउंटिंग से रिलेटेड जो सारे काम होते हैं, बिल बनाना, चलन बनाना या सैलरी करना, ये सारे टास्क कौन करता है? ये सारी चीज़ मैं करता हूँ। ओके, बिजनेस का फ्यूचर का प्लानिंग बनाना उसका काम कौन करता है? फ्यूचर का प्लानिंग सर अभी ये सारी चीज़ पहले तो पापा करते थे और अभी तो मैं ही देख रहा हूँ। ओके, प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी को मेजर करने का काम कौन करता है? ये भी मैं ही देख रहा हूँ। ओके, मेरे इन्वॉल्वमेंट इन सब चीज़, डिस्पैच वगैरह का काम कौन देख रहा है?
डिस्पेच का काम भी मेरे को। मार्केटिंग ब्रांडिंग का काम कौन देख रहा है? सर मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए हमने बीच में एक डिजिटल को दिया था तो, बट वहाँ से मेरे को इतना अच्छा रिस्पांस मिला नहीं तो उसको मैंने अभी क्लोज कर। बिजनेस में नई स्ट्रेटजी बनाने के ऊपर कौन वर्क कर रहा है? नहीं सर इसके ऊपर अभी हमने कभी सोचा नहीं। नई नई अपॉर्चुनिटीज जो मार्केट में आती है उसको ग्रैब करने के लिए कौन काम कर रहा है? अपॉर्चुनिटी जैसे कि आज आपका फील्ड है, जिस फील्ड में आप प्रोडक्ट अभी बना रहे हो, तो आने वाले टाइम में कुछ नई प्रोडक्ट आने वाली हो, तो उस प्रोडक्ट का R&D करना, उसका एनालिसिस करना और वैसी प्रोडक्ट बिल्ड करना, वो वाला काम। सर वो भी मैं थोड़ा बहुत तो देख लेता हूँ मेरे कॉम्पिटिटर को कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या बना रहा है, क्या डिज़ाइन कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं मेरे इसमें भी चेंजेस कर देता हूँ। आप फ्यूचर में कोई सेकंड लाइन अपनी तैयार कर रहे हो? हाँ सर मैं सोच रहा हूँ कि जैसे अभी सबमर्सिबल पंप बन रहा है तो सबमर्सिबल पंप को यूज़ करने के लिए पाइप भी बनता है, तो वो पाइप भी मैन्युफैक्चर करने की मैं सोच रहा हूँ, स्टील बॉडी वाला और फाइबर वाला। पिछले 3 साल का आपका टर्नओवर क्या रहा है? पिछले साल का क्या रहा था? सर पिछले साल का मेरा रहा था 60-70 लाख। ओके उसके आगे का क्या रहा था? उसके पहले भी तकरीबन 50 या 60 समथिंग। ओके उसके आगे? अराउंड 45-50 लाख। ओके आपका नेट प्रॉफिट कितना परसेंटेज पड़ता है? सर ये तकरीबन अगर मैं निकाल लूँ तो ये 12-15 लाख। ओके और आपका ग्रॉस प्रॉफिट? कभी कैलकुलेट किया है? नहीं किया सर। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच पीयूष जी की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी और आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ डिस्कशन की। अब इसी के बेस के ऊपर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पूछने वाला हूँ कि जो आने वाले टाइम में आपने 5 यूनिट का प्लानिंग जो आपने सोचा हुआ है तो क्या वो कहीं ऑन पेपर है? नहीं सर ऑन पेपर नहीं है। ओके तो एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा सर, ताजमहल जो है वो कितनी बार बना? सर हिस्ट्री का तो इतना नॉलेज नहीं है लेकिन बना होगा दो से एक दो बार बना। आज से 10 साल पहले एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं गया था तो वहाँ के ट्रेनर ने मुझे ये क्वेश्चन किया था तो मैंने भी आंसर यही किया था कि एक बार बना होगा, लेकिन साइंटिफिकली अगर उसका रीज़न देखने जाए तो ताजमहल नहीं, इस दुनिया में कोई भी चीज़ अगर बनती है ना तो वो 3 बार बनती है। सबसे पहले ताजमहल बनाना किसी के माइंड में एक विचार आया होगा, सही। दूसरा उस टाइम के जो आर्किटेक्ट लोग थे उन्होंने उसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया होगा, और तीसरा जो आज और हम देखने के लिए और घूमने के लिए जाते हैं आगरा, वहाँ पर वो बना हुआ है। तो अभी समझने की ज़रूरत ये है कि आज आपने सोचा हुआ है कि आने वाले टाइम में 5 फैक्ट्री आपको प्लान करनी है तो ये विज़न खाली आपका है, आपके साथ काम करने वाले कितने लोगों को पता है? किसी को नहीं पता। आपके वेंडर, आपके सप्लायर, आपके डीलर, आपके डिस्ट्रीब्यूटर, क्या उन लोगों को ये चीज़ पता है? ना, नहीं पता। ओके क्या आपके पास इसका कोई स्ट्रक्चर तैयार है? नहीं सर स्ट्रक्चर बिल्कुल तैयार। ओके तो होता ये हो कि 95% लोग जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ना उनके माइंड में खाली आइडियाज़ होते हैं, विचार होते हैं कि इनको बड़ा होना है, लेकिन वो कभी ऑन पेपर काम नहीं करते हैं। तो एज अ कंसल्टेंट हमारा काम ये रहेगा कि आपके माइंड में जो भी विचार आपकी कंपनी को लेकर है उसको ऑन पेपर लेकर आना, और ऑन पेपर लाने के बाद उसकी सिस्टम सेट करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये हमारा काम रहता है। दूसरा जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको किए कि कितने काम अभी आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी के ऊपर कर रहे हो तो आपने मुझे बताया है 70% काम अभी भी आप खुद कर रहे हो। हाँ, नहीं कर रहे। तो आप अपने बिजनेस में बिजी नहीं है सर, आप अपने बिजनेस में ओवर बिजी। और आज तक कोई एक ऐसा बिजनेसमैन मुझे आप दिखा दो जो अपने बिजनेस में ओवर बिजी होकर उसने अपनी कंपनी को ग्रो किया है, कोई ऐसा? नहीं सर। कोई भी बिजनेस में 2 तरीके के काम होते हैं पीयूष जी, एक काम होता है रूटीन का जिससे आप अपने बिजनेस के रूटीन को चला सकते हो, और एक काम होता है आपके डेवलपमेंट का जिससे आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर डेवलप कर सकते हो। अभी जो आप काम कर रहे हो ना ये आपका रूटीन का काम है, और रूटीन का काम करके कभी भी धंधे को डेवलप नहीं कर सकते।
बराबर। और जो तीन चैलेंजेस जो आपने मुझे शेयर की कि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क आपको बनाना है, एक अच्छी टीम आपको प्लान करनी है और सेल्स आपको बढ़ाना है, तो ये सारी प्रोसेस में गुरुकुल आपको हेल्प करेगा, बराबर। लेकिन वो हेल्प आपको किस तरीके से करेगा और क्यों करेगा वो क्लियरिटी आपको होना जरूरी है। क्योंकि जब आज से 10 साल पहले आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो आपने एज अ ट्रेडर शुरुआत किया था कि एक जगह से माल लेना होता था, उसका प्रोसेस करना होता और दूसरी जगह बेच देना होता था। फिर आप वहाँ पर मैनेजर्स बने तो आपके अंडर में टीम आई, तो टीम ने रूटीन का काम देखा, आप उनको मैनेज करने का काम कर रहे हैं। इसके बाद का एक स्टेज आएगा एज अ लीडर कि आपके अंडर में मैनेजर्स हो गए अलग अलग डिपार्टमेंट के जो रूटीन का काम करेंगे। आपका काम होगा एज अ लीडर डेवलपमेंट का, फ्यूचर का प्लान करना। और उसके बाद का एक स्टेज होता है एज अ लीपर, जहाँ पर आपको अपनी कंपनी को नेक्स्ट लेवल के रिस्क लेकर नए डेवलपमेंट करने होते हैं कि एक फैक्ट्री सेट हो गई, एक लीडर को आपने सेट कर दिया, दूसरी फैक्ट्री प्लान करो, वहाँ दूसरा लीडर तैयार करो, और ऐसे करके 5 फैक्ट्री आपकी चलेगी और 5 लीडर उसको चलाएगी और उनको हैंडल करना आपका काम रहेगा। तो ये एक जर्नी होता है किसी भी बिजनेसमैन का 10 साल का। अभी आपने अपने बिजनेस को 10 साल तो दे दिए, लेकिन 10 साल में अभी भी आप कौन सी पोजीशन पर काम कर रहे हो आपको पता है? आज भी आप अपने बिजनेस के ओनर नहीं हो सर, आज भी आप अपने बिजनेस के मैनेजर्स हो, क्योंकि आज आप काम जो कर रहे हो ना वो लोगों को मैनेज करने का काम कर रहे हैं। और इसी कारण आपको डर है कि मेरे वर्कर मुझे छोड़कर चले गए तो, मेरी टीम अगर अच्छी नहीं आई तो, बराबर। तो ये पूरी जर्नी में हम आपके साथ रहेंगे और हमारी जर्नी जो रहेगी वो 1 साल 2 साल नहीं, 10 साल 20 साल 30 साल तक हम आपके साथ जुड़ेंगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जितना हम काम करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा आपका और हमारा होगा, बराबर। अब बात आती है कि किस तरीके से आप अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क का प्लान कर सकते हो। तो क्या पिछले 10 साल के अंदर अभी तक कभी आपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मिड प्लान किया है? नहीं सर, ऐसे मिड प्लानिंग कुछ हुई नहीं है। ओके, तो इस साल के एंड में हम साथ में मिलकर एक ऑर्गेनाइज करेंगे कि हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं तो आपके एरिया के सराउंडिंग और आप जितना माल बाहर देते हो वहाँ के, उन सब लोगों का एक गेट टूगेदर हम करेंगे। और उस गेट टुगेदर को करने का पर्पज़ ये रहेगा कि आज कंपनी जिस लेवल पर पहुंची है उसमें उन सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा, डेफिनेटली, क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट से हम आगे बढ़े। तो एक प्रोग्राम हम करके उनको एक विशेष हम करेंगे कि आज हम आपको थैंक्स कहना चाहते हैं कि कंपनी आज इस लेवल पर पहुंचे। और फिर आने वाले साल का जो हमारा प्लान है वो हम वहाँ पर लॉन्च करेंगे और साथ में एक ऑफर हम प्लान करेंगे कि पूरे साल अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो और इतने लेवल का ऑर्डर अगर हम हमें देते हो तो उसके सामने रिटर्न हम आपको ये दें। ये एक प्रोसेस में हम आपके साथ वर्कआउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, क्या लगता है आपको एक प्रोफेशनल पर्सन अगर आपकी टीम में चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाला, तो एक प्रोफेशनल बंदा आपके साथ क्यों जुड़े? सर, वो प्रोफेशनल बंदा इसलिए जुड़े कि सब लोगों से कनेक्टिविटी हो सके। उसको ये मालूम होना चाहिए कि मेरे को सेल्स वालों से कैसे बात करना है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे बात करना है, रिटेलर से कैसे बात करना है और कैसा काम अपने को अपनी टीम से करवाना है। ऐसा यही मैं चाहता हूँ कि प्रोफेशनल बंदा सारी चीज़ को मैनेज कर सके। तो क्या अभी आपकी कंपनी के अंदर ऐसी सिस्टम बनी हुई है कि आज अगर किसी 50,000 वाले बंदे को आप लेकर आओ या 1,00,000 रुपए कमाने वाले बंदे को अगर आप लेकर आओ तो उससे क्या काम करवा के लेना, क्या वो सिस्टम हमने सेट किया है? नहीं सर, ये सिस्टम सेट किया। बराबर, तो एक सिंपल चीज़ है कि आज कोई भी बंदा अगर आपके साथ जुड़ेगा और लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको टीम चाहिए तो वो वही लोग आपके साथ जुड़ेंगे जिनको आप उनका फ्यूचर दिखा पाओगे। क्योंकि 5 साल अगर मुझे आपको देना है तो मैं मेरा 5 साल आपको क्यों दूंगा? क्योंकि जब आपकी कंपनी में जुड़कर मुझे 5 साल में अपना विजन अगर दिखेगा तो मैं आपके साथ टिक कर काम करूंगा। और उसके लिए उनको देना पड़ेगा सिस्टम, और वो सिस्टम होता है HRM। तो वो HRM सिस्टम बिल्ड करने में गुरुकुल आपको हेल्प करेगा। और थर्ड पार्ट आता है आपका सेल्स। तो सेल्स अगर हमें बढ़ाना है तो सेल्स बढ़ाने में अधिकतर कंपनियों की चैलेंजेस ये होती है, हर साल नए लोग आपके साथ जुड़ते हैं
और आपकी भी ये चैलेंज होगी और पुराने लोग छोड़कर चले जाते हैं। हाँ सर, ये सेम सिचुएशन हो रही है। बराबर, तो क्या होता है कि हर साल नए कस्टमर ऐड होते हैं, पुराने कस्टमर छोड़कर चले जाते हैं। हाँ। तो एंड ऑफ द ईयर हमारा जो टर्नओवर है वो एक्स ही रहता है, वो बढ़ता नहीं। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें कुछ स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ेगी, और ये स्ट्रेटजी क्या होती है? W। ये W स्ट्रेटजी जो है वो आपको वीडियोस के अंदर बताया जाएगा कि किस तरीके से W स्ट्रेटजी वर्क करती है, लेकिन अभी आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि W स्ट्रेटजी होती क्या। सेल्स हर कोई बढ़ाना चाहता है, तो वो W में जो बीच वाला जो पॉइंट है ना वो सेल्स है, लेकिन नीचे जो उसको रूट के अंदर काम करने वाले जो दो कैटेगरीज है उसमें एक कैटेगरी आती है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और दूसरी कैटेगरी आती है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। कि कोई भी कंपनी जब ग्रो होती है तो उसको दो जगह से सपोर्ट चाहिए, एक आपके पुराने कस्टमर आपको रिपीट करें और प्लस नए कस्टमर ऐड हो। तो नए कस्टमर को ऐड करने के लिए आपको मार्केटिंग और ब्रांडिंग करना पड़ेगा। आपने कितने इवेंट, कितने एग्जीबिशन में अभी तक पार्टिसिपेट किया है? तो मेरे ख्याल से नहीं किया होगा। नहीं सर, नहीं किया। तो नए लोग आपको मिलेंगे कहाँ से? उसी चीज़ के लिए आपने डिजिटल मार्केटिंग शुरू भी किया था और अभी बंद भी कर दिया है, तो उसके बाद भी आपको उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी कि डिजिटल मार्केटिंग करके भी आपको ऐसे लोग जो है वो आपके साथ कनेक्ट हो पाए। और पुराने लोगों को लेकर जो मैंने आपको बोला डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मीट करना, तो पूरे साल में एटलीस्ट एक बार तो हमें लोगों को मिलना पड़ेगा, उनके क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस है वो जानना पड़ेगा। अगर उनके प्रॉब्लम और चैलेंजेस का सॉल्यूशन किया जाए तो हमसे फिर से जुड़ेंगे। हाँ सर, सही है। बराबर, तो ये पूरी एक स्ट्रेटजी खाली मैंने अभी आपको शेयर की है। ऑल ओवर काम जो आपके साथ करना रहेगा उसके लिए तो 6 महीने से साल भर का टाइम लगेगा, क्योंकि हम आपके साथ जब जुड़ेंगे तो 6 महीने साल भर में ये सारी प्रोसेस हम कर पाएंगे। स्टार्टिंग का जो हमारा टाइम रहेगा वो सारा टाइम हमारा डॉक्यूमेंट्री के ऊपर काम होगा कि अभी आपका सेल्स करने का तौर तरीका कैसा है, आपका काम करने का तौर तरीका कैसा है, सबका एनालिसिस होगा। फिर उसका एक रिपोर्ट तैयार करके हम देंगे, उस रिपोर्ट के बेसिस के फ्यूचर के प्लान हम तैयार करेंगे, उस फ्यूचर के प्लान को हम माइक्रो प्लान में कन्वर्ट करेंगे, और माइक्रो प्लान करके डेली बेस पे, वीकली बेस पे, मंथली बेस पे उसके ऊपर काम होगा। अच्छा, आप लोग हमारी कंपनी में ये सारी कंसल्टिंग प्रोसेस में ये रहता है कि हम आपके वहाँ आते हैं, ट्रेनिंग में आप हमारे वहाँ आते हैं। तो जब हम आपके वहाँ आएंगे, वीकली मीटिंग होगी, ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है, तो वहाँ पर 2 घंटे की मीटिंग होगी इसी तरीके से, और आपकी साइड से चैलेंजेस होगी, हमारी साइड से सॉल्यूशन होगा, और उसी के ऊपर पूरी की पूरी जर्नी चलेगी। हम 6 महीने साल भर के लिए आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपका कोचिंग करेंगे, और आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे, आपके लिए स्ट्रेटजी प्लान करेंगे, और उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करके आपको देंगे। तो ये सारी प्रोसेस जब आपके साथ वर्कआउट करके हम रेडी करेंगे, तब जाकर एक क्लियरिटी आपको मिलेगी कि आज आपकी कंपनी का टर्नओवर 1 crore है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको 5 crore ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 crore ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 crore ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और 100 crore तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये सारा जो पाथ है ना वो आपका क्लियर होता जाएगा। ये सारी आप ही करेंगे सारे सॉल्यूशंस को? ये सारी चीज़ें करने के लिए हमारी पूरी टीम होती है, हमारी टीम में काम करने वाले अलग अलग एक्सपर्ट लोग होते हैं। जैसे कि एक प्रिंसिपल कंसल्टेंट होता है जो मेरा रोल होता है, जहाँ पर मैं आपके साथ मंथली मीटिंग करता हूँ और स्ट्रेटजी आपको बना कर देता हूँ। उसके बाद हमारे कंसल्टेंट होते हैं, जो स्ट्रेटजी मैंने बना कर दी हुई होती है उसका इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग वो कंसल्टेंट आपको करके देते हैं। उस इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर वर्क आपको करना रहता है, अगर वो वर्क आप नहीं कर पाए तो उसके अंडर में हमारे रिव्यूअर होते हैं जो आपका फॉलोअप लेते हैं और फॉलोअप लेकर आपसे करवाते हैं। और उसके बाद हमारी एक टीम होती है एज अ ट्रेनर, कि आपको ट्रेन करना, आपकी टीम को ट्रेन करना, आपकी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मीट करना, आपकी कस्टमर मीट करना, तो ये सारी प्रोसेस के अंदर जो ट्रेनिंग देने का जो पार्ट रहता है वो उनका रहता है। तो ये पूरी हमारी जर्नी होती है और ये पूरी टीम हमारी होती है जो आपके साथ मिलकर आपकी कंपनी को ग्रो करने के लिए आपके साथ जुड़ती है। क्लियर हो गया सारा कॉन्सेप्ट? हाँ सर। तो ये सारी प्रोसेस में अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आपका डीपली एक एनालिसिस हमें करना रहेगा आपकी टीम का और आपके कस्टमर्स का।
और उसके बाद एक फाइनल कोट जो है वो मैं आपको दे पाऊंगा कि हम किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम हमारी प्राइसिंग जो रहती है वो 6 महीने की 5 लाख प्लस GST रहती है। ओके। और मैक्सिमम प्राइस जो हमारी होती है वो 20 लाख 30 लाख 50 लाख तक जा सकती है, क्योंकि ये कस्टमाइज होता है, इसमें फिक्स कॉस्ट नहीं होती। तो कितना 6 महीने में हम आपके लिए काम करेंगे, कितना की डिलीवरी हमारा रहेगा और उसका क्या अमाउंट रहेगा वो हम आपको कोट कर पाएंगे। तो आज आप हमारी ऑफिस पर आए हो, नेक्स्ट मीटिंग अब मुझे आपकी ऑफिस पर आकर करनी रहेगी, आपकी पूरी फैक्ट्री की विजिट करनी रहेगी, आपके जो फादर से उनको मुझे मिलना रहेगा और आपकी टीम मेंबर के साथ एक मीटिंग होगी। डेफिनेटली। और ये पूरी प्रोसेस जब हम कंप्लीट कर लेंगे फिर मैं आपको एक प्रपोजल दूंगा जिसको हम साइन करेंगे, आप डन करेंगे और फिर अपने एक शुरुआत करेंगे। ओके। तो ये सारी प्रोसेस जो अभी तक मैंने आपको बताई, इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। सर अभी तो कोई ऐसा डाउट कंफ्यूजन नहीं है, एक बार मैं पापा के साथ डिस्कस करूंगा फिर हम जल्दी एक मीटिंग करते हैं, तो उनका भी जो भी क्वेश्चन होगा सॉल्व कर दीजिए। डेफिनेटली। और नेक्स्ट मीटिंग में मैं यही चाहूंगा कि हमारे जो की डिसीजन मेकर है और आपकी टीम में या आपके फैमिली में और भी कोई पर्सन अगर आपकी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं तो वो सारे की पर्सन उस मीटिंग में होने जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर का प्लान करना है और 5 साल का प्लान करना है, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे और जितने डिसीजन मेकर लोग अपने साथ होंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है सर। ओके। तो चलिए डन करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग करके अपने फाइनल करते हैं और आपके साथ एक नई जर्नी स्टार्ट। हाँ जी सर। ओके, थैंक यू सो मच। जिस तरीके से दोस्तों आज आपने यहाँ पर देखा, ये एक बेसिक एनालिसिस प्रोसेस का हमारा पार्ट रहता है और इस पार्ट के अंदर हम किसी भी बिजनेसमैन के साथ एक बेसिक क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, और ये क्वेश्चन आंसर्स करने का पर्सन ये रहता है, क्योंकि हमारा काम जो होता है वो एक डॉक्टर की तरह होता है। जो डॉक्टर आपका काउंसलिंग करता है उसको आपको डीपली एनालिसिस करने के टाइम पर जितनी अच्छी तरीके से आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे उतना ही बेस्ट सॉल्यूशन हम आपको दे पाएंगे। क्योंकि कहा जाता है एक डॉक्टर, एक वकील और एक कंसल्टेंट, उससे कभी भी कुछ छुपाना नहीं, उसको जितना खुलकर आप अपनी बातें शेयर करोगे उतना ही अच्छा हम आपको काम करके देंगे। तो यही सारी चैलेंजेस अगर आपको आ रही है और आपके बिजनेस में अगर आप दिक्कत में हो तो डेफिनेटली गुरुकुल को आपको याद करना है, गुरुकुल की हेल्पलाइन के ऊपर आपको फ़ोन करना है और नीचे क्लिक करके आपको एक बेसिक फॉर्म जो है वो आपका फिलअप करना है, जिससे हम आपके बिजनेस का थोड़ा डिटेल्स लेने के बाद हम उसका एनालिसिस करके हम आपको फिर से कॉल बैक करेंगे और आपके साथ एक मीटिंग करेंगे। और ये जितने भी लोग आज ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये नंबर पर आप कॉल करोगे और 1 घंटे की मीटिंग अगर आप प्लान करोगे तो रिसेंटली अभी हमने थोड़े टाइम के लिए जो मीटिंग का हमें कॉस्ट सभी लोगों के पास से लेते हैं जिसका कीमत होता है 30,000 प्लस GST, जहां पर हम आपके बिजनेस का एनालिसिस करके एक रिपोर्ट खाली आपको देते हैं, वही प्रोसेस आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और ये स्टार्टिंग के सबसे पहले जो 50 लोग होंगे उन्हीं लोगों को ये मौका मिलने वाला है। तो देरी किस बात की, वेट किस चीज़ का, शुरू करें, कॉल करें, हमें याद करिए, हम आपके साथ जुड़कर आपके बिजनेस को ग्रो करने में हम आपको हेल्प करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।